हेलो एवरीवन यार, तुम सभी को पता है कि जेई मेंस की जो डेट्स हैं वो कल अनाउंस कर दी गई हैं। और जेई मेंस की जो डेट है वो 20th से स्टार्ट हो रही हैं और फिर नेक्स्ट वाली डेट जो है वो 25 से 2nd of August तक हैं। तो इसमें कई सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि वेब जेई दें या ना दें जो बाहर के रहने वाले हैं। तो यार कल से अभी तक मेरे को कई सारे मैसेजेस मिले हुए हैं, कुछ का मैंने रिप्लाई किया, कई सारे मैसेजेस अभी पड़े हुए हैं। तो मैं तुमसे यार एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि जेई मीन्स के हमें 2 अटेम्प्ट मिले हुए हैं पहली बात तो अभी, और 2 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो 2 तुम्हारे हो चुके हैं। तो अगर आप देने के लिए जाते हो एग्ज़ाम 17th को, तो तुम आराम से आ जाओगे वापस, चिंता मत करो। 20 के बाद एग्ज़ाम चालू होंगे, करेक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट भी है जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बस ये है कि उन्होंने ये गलती करी कि 2 के बीच में गैप नहीं दिया, 2 अटेम्प्ट के बीच में, जो कि उन्हें देना चाहिए था, वरना मतलब क्या होगा ये 2 अटेम्प्ट का, ऐसे तुरंत तुरंत ही रख दिए, करेक्ट। बट अभी जो भी है फिलहाल जो तुम्हारे सामने है उसको तुम देखो, और जो उसमें तुम बढ़िया कर सकते हो वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए कि हम उसमें बढ़िया करना चाहते हैं। तो जो भी लोग जो बाहर के रहने वाले हैं जिनके अराउंड 80 से ऊपर या 80-90 से ऊपर आ रहे थे मॉक टेस्ट में, तो मेरे हिसाब से उन सभी को पेपर देने जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम ये मिस कर दोगे तो मे भी तुम्हें एक अच्छी सीट मिस कर दो। और अगर तुम्हें जेयू मिल रहा होगा, तुमने वो छोड़ा और NIT में कोई लोअर ब्रांच मिल रही होगी वो ले ली बाद में, तो यार वो एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो पेपर देने जाओ, ज्यादा से ज्यादा एक दिन ही का तुम्हारा टाइम तो लगेगा ना यार, तो उसमें थोड़ा एक्टिक भी हो जाएगा, ट्रैवल हो जाएगा, ये सब चिंता करके क्या जरूरत है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरा जेई में बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है, तो मत दो फिर वेब जेई का एग्जाम, वो तुम्हारे ऊपर है। बट अगर एक तुम चाहते हो कि लाइक आई शुड गिव अ ट्राई, तुमने पिछले 2-3-4 महीने से प्रिपरेशन करी है और तुम्हें लग रहा है कि अब ट्राई देना चाहिए, तो मतलब तुम्हें जाना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है ना। बाकी यार कोई समस्या कोई परेशानी हो तुम कमेंट करके बताना, और लाइक आने वाले जो वीडियोज हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे नई कंटेंट आने वाले हैं। आज हम लोग PYQpedia का पहला लेक्चर करेंगे शाम को, तो आ जाना सभी लोग 9:30 से विल बी स्टार्टिंग, 9:30 बजे से, ओके। बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।